दोस्तों, विद्या किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बहुत ही शानदार सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ये है देखिए हरी ककड़ी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, इसे आप बनाना जरूर चाहेंगे। तो इस रेसिपी के देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। हम बना रहे हैं ककड़ी की सब्जी। इसको सिर्फ देसी घी से ही बनाया जाता है, तो हमने यहाँ पे एक बड़ी चम्मच देसी घी डाला है। इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। गर्म हो गया तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ पे हमने एक हरी मिर्च कट करके रखी है, थोड़ा छोटा टुकड़ा अदरक का। ये दोनों चीजों को हमने कट करके रखा, इसको हम साथ में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी हम साथ में डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये है ककड़ी जिसे हमने धो के साफ करके एक छोटे एक इंच के टुकड़े के बराबर कट कर लिया है। इसको हम साथ में डालेंगे। ये हरी ककड़ी इस तरह से मुलायम होनी चाहिए, इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए बड़ा, तो ही टेस्टी बनेगी। तो हम बाकी बची ककड़ी को भी इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके डाल दीजिए छोटे छोटे पीस। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इन्हें हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से स्लो गैस पे ढक के पकाएंगे। ये है कच्चा आम और इसको हमने कट कर लिया है आधा, इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, हम इसे बिना छीले डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसे छील कर भी डाल सकते हो। कर लिया उसको हम डाल देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इनको हमने इस तरह के कट पीस कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रेंड्स, ये है एक टमाटर जो हमने से कट करके रखा है, साथ में डाल देते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम गैस के फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मीडियम कर दिया हमने। पहले हमने सारी चीजें स्लो कर ही पकाई थी, अब हमने मीडियम किया है यहाँ पे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और बीच में चला दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 मिनट के हो गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक टेस्ट के अनुसार रखिएगा, जितना आपको अच्छा लगता है। अब फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो इसे हम 1 मिनट के लिए और ढक के रख देते हैं, इससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी हमारी तैयार हो गई है बनकर। तो ये देखिए शानदार ककड़ी की सब्जी स्पेशल, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो दोस्तों, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आने पे लाइक और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों, आपका स्पैम कमेंट ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। अब दोस्त, इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है फ्रेंड्स। अब आधा नींबू का रस डाल देंगे और ये आपकी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार है। तो आपका धन्यवाद।